हाल ही में हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें उर्फी जावेद की तरह होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हनी सिंह के अगेंस्ट बहुत सारे बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर मैं डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में मुद्दा क्या है। हमें पता है हनी सिंह और मोनी रॉय का एक रिसेंटली सॉन्ग आया गतिविधि, जो कि एक सुपरहिट सॉन्ग है। इस सॉन्ग के प्रमोशन के लिए हनी सिंह एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उनसे पूछा गया उर्फी जावेद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। उसमें उन्होंने कहा भारत की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें उर्फी जावेद से बहुत सारी चीजें सीखने चाहिए। मैं आपको सीधा वो इंटरव्यू दिखाता हूँ। सोशल मीडिया में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। रणवीर सिंह जो है उन्होंने भी उन्हें स्टाइल आइकॉन कह दिया था, उनका नाम है उर्फी जावेद। तो कभी आप चाहेंगे उनको अपने सॉन्ग में लेना? हाँ डेफिनेटली, अगर कोई गाना उनके लिए बना कुछ बढ़िया सा कि जिसमें मुझे लगे कि हाँ वो उसको पूरा अच्छा निभा सकती हैं तो डेफिनेटली वाई नॉट। मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है, बहुत बोल्ड है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। और हम विशिंग हर ऑल द बेस्ट, ऑल द लक एंड सपोर्ट। सो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को उससे कुछ सीखना चाहिए कि जो आपके मन में हो, नो मैटर आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, किस घर से बिलोंग करते हो, किस जाति से बिलोंग करते हो, अपनी फैमिली में कभी कुछ बुरा ना आए, बस वो सब ना कीजिए, लेकिन जो मन में आए वो कीजिए दिल ठोक के। इसके बाद दोस्तों लोग जो है वो हनी सिंह के अगेंस्ट बहुत सारे हेट फैला रहे। बहुत सारे लोगों का ये कहना हनी सिंह तो ऐसा कहेगा ही क्योंकि हनी सिंह ने अपने वाइफ से ही डिवोर्स कर दिया और इस उम्र में वाइफ से डिवोर्स करने के बाद एक गर्लफ्रेंड भी बना लिया। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्लेम किए जा रहे हैं हनी सिंह के ऊपर कि हनी सिंह तो पहले से इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने सॉन्ग्स में भी आप देख के पता कर सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें।